हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक टॉपिक लिगेंड और उसके टाइप्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ बेसिक पार्ट को डिस्कस किया था, जैसे लिगेंड को आज डिस्कस करेंगे, जैसे सॉल्ट कितने टाइप का होता है। जैसे हमने बताया था आपको कि सॉल्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल सॉल्ट और एक मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट का हमने एक नाम और भी बताया था आपको, जिसको हम लोग एडिशनल या मॉलिकुलर कंपाउंड बोलते हैं। एडिशनल या मॉलिकुलर कंपाउंड को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इसके बाद हमने आपको डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएट कराया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आप सब लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बिल्कुल करिए, आपको इस वीडियो में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ओरली देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको डिवाइड कितनी कैटेगरीज में किया गया है। एंड एडिशनल और मॉलिकुलर कंपाउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स और मॉलिक्यूल्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड्स एज वेल एज इन एक्वस स्टेट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको देखा था, और यहीं पे हम लोगों ने अपना लेक्चर को एंड किया था। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते कितने टाइप के हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ आयंस और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयंस के बेसिस पर हम इसको चार टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप बताइए आयंस कितने टाइप के होते हैं। आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। ठीक है, तो इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इन्हीं दो के बेसिस पर करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक बार हम कैटायन को कॉम्प्लेक्स करते हैं और एनायन को सिंपल रखते हैं, दूसरे टाइप में हम एनायन को कॉम्प्लेक्स करेंगे और कैटायन को सिंपल रखेंगे, और तीसरे टाइप में हम दोनों को कॉम्प्लेक्स करेंगे, और चौथे टाइप में हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल करेंगे कंपाउंड में, इसको डिस्कस कर देंगे। फिर हम लोग आगे लिगेंड्स के बारे में देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ आयंस। ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम इसको पहला पार्ट जो है सिंपल कैटायन एंड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एनायन का है। इसके अभी एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, तीसरा है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, और चौथा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सारे के एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है आपके सामने सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। जैसे कि एक आपके सामने ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में जब हम इसको वाटर में डालते हैं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं, तो ये कुछ ऐसे ब्रेक हो जाता है जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज है, ये कैटायन है। आप देखिए एक सिंपल कैटायन है, सिर्फ एक है, एक सिंपल कैटायन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, और ये है एनायन। तो इसलिए एग्जांपल किसका होगा, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। आगे चलते हैं, आगे देखिए कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन हम लोग देखते हैं। अब ये जो आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे,
अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये कुछ ब्रेक होगा इस तरीके से, सी यू एन एच थ्री का होल फोर, और इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस टू, और इधर प्लस एस ओ फोर माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये जो है प्लस टू ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कैटायन कॉम्प्लेक्स हो गया और एनायन सिंपल हो गया, इस वजह से ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, जब जो हम कंपाउंड लेंगे उसको ही हम कैसा मान लेंगे, मतलब ये जो कैटायन लेंगे ये भी कॉम्प्लेक्स लेंगे और एनायन लेंगे ये भी कॉम्प्लेक्स लेंगे, ठीक है। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद आप देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कोई नहीं है, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन का। आगे चलते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी सिंपल नहीं होगा, ये सब न्यूट्रल होंगे। तो आप इसको देखिए ये एक न्यूट्रल है, और दूसरा NIDMG ये भी न्यूट्रल है। DMG का फुल फॉर्म होता है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक है, इसको आगे अभी हम लिगेंड से पढ़ेंगे तो इसको आगे देखेंगे, ठीक है, तो ये न्यूट्रल है। आगे देखते हैं, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम लोग देख लेते हैं, कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे अभी तक हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताते आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने पार्ट होते हैं, किसे लिगेंड कहते हैं, किसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, वो आप देख लीजिए। अब देखिए इस तरीके का आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है CN का होल सिक्स, ठीक है। अब जो इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जो इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्फेयर, और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसलिए इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। और कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर जो होगा, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर जो होगा उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर जो कुछ भी होगा उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फेयर। एक बार दोबारा से सुनिए, जो इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर होगा, ये जो बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और जो इस बड़े से ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होगा वो कहलाएगा आयोनाइजेशन स्फेयर। क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन स्फेयर। अब हम लोग इसके पार्ट्स को देखते हैं, जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब इसमें इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो है इसको डिटेल में पढ़ना है। ये जो पार्ट है जो आपको यहां पर दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्यों बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, अभी हम आगे आपको बताएंगे। और सेंट्रल मेटल एटम के बाद, सेंट्रल मेटल एटम को अगर बड़े से ब्रैकेट के एक मिनट के लिए छुपा दें अगर हम इसको, तो इसके बाद जो कुछ भी बचता है वो सब क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। और लिगेंड के ऊपर जो नंबर्स होते हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। इसको हालांकि हम अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, जब आपको अभी इसके बाद जो एक लेक्चर मिलेगा उसमें हम आपको निकालना सिखाएंगे कि इसके ऊपर कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो वहां पर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए इस पर, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी एक और जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हमने लिखा K4Fe जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं CN का होल सिक्स, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, और सेंट्रल मेटल एटम को अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद जो कुछ भी बचा वो सब क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। एक और चीज यहां से सुन लीजिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो जर्नली या यूजुअली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। क्यों होता है ऐसा, वो आप सेंट्रल मेटल एटम को पढ़िए तब समझ आएगा। देखिए सेंट्रल मेटल एटम इट इज अ मेटल, ये एक मेटल होता है, ये एक्सेप्ट करता है लोन पेयर्स को लिगेंड से, फ्रॉम लिगेंड्स, और जब ये लोन पेयर को, जैसे ये लिखा है K4FeCN का होल सिक्स, ठीक है, तो ये लिगेंड है, लिगेंड से
जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और जब ये लिगेंड से कोई भी लोन पेयर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई ना कोई बॉन्ड बना रहा होगा, और जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यूजुअली हमने अभी बताया आपको, यूजुअली ये जो डी ब्लॉक का मेंबर है ये यूजुअली डी ब्लॉक का ही क्यों होता है, इसका रीजन ये है क्योंकि इनके पास हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है, इनके पास जो चार्ज होता है वो हायर होता है न्यूक्लियर का, और दूसरा इनके पास अवेलेबिलिटी होती है वेकेंट डी ऑर्बिटल की। अगर आप कहीं से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप कहीं से इलेक्ट्रॉन को बुला रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, कोई भी गेस्ट आपके घर पे आ जाता है, तो उसे रखने के लिए, उनको अपने घर में रोकने के लिए आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप गेस्ट बुलाएंगे। तो अगर आप लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको कहीं भी रखने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए आपके पास। तो इस वजह से ये अगर होगा तो सबसे ज्यादा ये किस में होता है, डी ब्लॉक में होता है। अब हम लोग देखते हैं लीगेंड्स क्या होते हैं। लीगेंड्स, जैसा कि अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है सेंट्रल मेटल एटम की, उसी से लीगेंड्स को बनता है कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप, कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप जो लोन पेयर को डोनेट करता है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है, अपने लोन पेयर्स को डोनेट करता है किसे, सेंट्रल मेटल एटम को, सीएमए का मतलब सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है और बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो क्या कहलाता है, वो लिगेंड कहलाता है, ठीक है, लिगेंड कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड एक ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप होता है जो अपने लोन पेयर्स को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यही कहलाता है लिगेंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसके कुछ टाइप्स को देख लेते हैं, जैसे टाइप ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब आपको पता है चार्ज सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, या अगर हम बात करें पहले निगेटिव चार्ज की, तो अगर चार्ज निगेटिव होगा तो ये लिगेंड कहलाएगा एनायनिक लिगेंड, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये ऐसा लिगेंड कहलाएगा कैटायनिक लिगेंड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास कोई चार्ज ही ना हो, तो अगर चार्ज नहीं होगा तो कहलाएगा न्यूट्रल लिगेंड। बात समझ में आई। अब देख लेते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स, जैसे एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड को अगर हम देखें तो एनायंस हुज नेम एंड स्पिट, इसको अभी हम बताएंगे आपको, ये हम लोग एक बार और अभी देखेंगे जब मैं आपको आईयूपीएसी नेम बता रहा हूँगा, आईयूपीएसी के रूल्स जब मैं आपको बताऊंगा तो हम लोग वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको और बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, सीएन के पास भी निगेटिव चार्ज है, एस के पास भी निगेटिव चार्ज है, ओ के पास भी निगेटिव चार्ज है, तो ये सब कैसे एनायनिक लिगेंड कहलाएंगे। और नाम के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे एनायनिक लिगेंड जिसके लास्ट में ई आता है, उस ई को हम रिप्लेस करते हैं ओ से, यानी ई को हटाओ और ओ लगा दो। जैसे इसका नाम है आयोडाइड, आई ओ डी आई डी ई, आयोडाइड है इसका नाम। अब यहां से इस ई को हटाओ और ओ लगा दो तो ये हो जाएगा आयोडाइड ओ। अगर हम यहां इसकी बात करें तो ये है साइनाइड, क्या है, साइनाइड है। अब इसके लास्ट में ई हटाए और ओ लगा दिया, ठीक है। तो यानी हम ऐसे बात करें कि अगर हम आइड को हटाएं और आइडो लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, लिगेंड कहलाएगा। यही ऊपर लिखा हुआ है कि एनायंस हुज नेम एंड्स विद आइड आर रिप्लेस्ड बाई ई बाई ओ, गॉट इट, इट इज सल्फाइड, इट इज सल्फाइडो, ऑक्साइड ऑक्साइडो, समझ आया। तो ये जो चार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही आपके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब चलते हैं कैटायनिक लिगेंड पे। हालांकि कैटायनिक लिगेंड आपके सिलेबस में नहीं है, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ज्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि सब लोग पढ़ते हैं तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं। ये कैटायनिक लिगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैटायनिक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो भी नाम होगा आप वो नाम लिखेंगे और उसके लास्ट में आई यू एम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आई यू एम। तो ये हो जाता है, जैसे इसका नाम है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल के बाद में आई यू एम जोड़ देंगे। इसका नाम है हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के बाद आई यू एम जोड़ देंगे।
इसके आगे चलते हैं तो न्यूट्रल लिगेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल लिगेंड्स, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स को। अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर इसके बारे में याद कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके नाम ही याद करने हैं, जैसे H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसको बोलते हैं एक्वा, ठीक है। NH3 को बोलते हैं अमाइन। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, स्पेलिंग है AMMINE, ठीक है। CO को बोलते हैं कार्बोनिल, NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, CS को बोलते हैं थायोकार्बोनिल, P4 टेट्राफॉस्फोरस, O2 डाइऑक्सीजन, S8 को बोलते हैं ऑक्टासल्फर। ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अब लिगेंड्स को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब पहला क्वेश्चन यही आता है कि डेंटिसिटी क्या है। डेंटिसिटी का मतलब होता है जो लिगेंड्स है उसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर कैन बी डोनेटेड। वो अपने कितने लोन पेयर को डोनेट करना चाहता है, लोन पेयर तो बहुत हो सकते हैं, उसके पास हो सकता है 2 लोन पेयर हों, 3 लोन पेयर हों, लेकिन वो कितने लोन पेयर डोनेट करना चाहता है, कितने उसके पास डोनर साइट हैं, वो कहलाता है डेंटिसिटी। जैसे अगर उसके पास एक डोनर साइट है तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट, अगर 2 डोनर साइट है तो बोलेंगे बाइडेंटेट, अगर 3 डोनर साइट है तो बोलेंगे ट्राइडेंटेट, अगर 4 डोनर साइट है तो बोलेंगे टेट्राडेंटेट, 5 डोनर साइट है तो बोलेंगे पेंटाडेंटेट, और अगर 6 डोनर साइट है तो इसे हेक्साडेंटेट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अब इन्हीं को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे मोनोडेंटेट, अब मोनोडेंटेट में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एफ फ्लोरो अमोनिया वाटर और O2, इनको अगर हम लिगेंड्स में बात करें तो इसको बोलते हैं फ्लोराइडो, इसको बोलते हैं अमाइन, इसको बोलते हैं एक्वा, और इसको बोलते हैं आयोडाइडो, ठीक है, ये सिंपल है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट को आपको ध्यान से याद भी रखना है, ठीक है। अब बाइडेंटेट में क्या है, ऐसे लिगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट हो, जैसे पहला है ऑक्सलेटो, इसकी फिगर्स, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पर ड्रा करवाता हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी पर नोटबुक पर कहीं पर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए C2O4-2 है, इसको कैसे बनाते हैं, जो भी कम होता है यहाँ पर, ये जो भी एलिमेंट कम होगा वो सेंट्रली काम करेगा, सेंट्रल के रूप में। अब जैसे यहाँ पर 2 कार्बन आप लगाइए इस तरीके से, ठीक है, और इनके अगल बगल में आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, और जो इसके पास होगा और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे ये इसके पास है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके दूर जो है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑक्सलेटो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सलेटो, ठीक है। अब इसको किसी भी फॉर्म में वो तोड़ ओड़ के दे सकते हैं आपको, वो इसको आपको जो बुक्स आपके पास होती हैं उसमें जनरली इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, सी इधर भी सी, और यहाँ से O- डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके से वो बना देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इथाइलिन डाइएमीन, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इथाइलिन बनाइए, इथाइलिन का मतलब C2 डबल बॉन्ड C2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब एक बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या जोड़ना है, डाइएमीन, डाइएमीन का मतलब NH3, अमाइन जोड़ना है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, NH2 और NH2, एक H तो इसको ऐड करने में चला जाएगा ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा NH2, मेरे पास जगह नहीं है तो हम ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप CH2 जोड़िए, CH2 और इसके साथ में NH2, ये जरूर याद कर लीजिए। अभी देखिए टेट्रा ट्राई टेट्रा में ये सब बहुत यूज आएगा इसका, ठीक है, और पेंटा और हेक्सा EDTA बनाने में भी इसका बहुत रोल आता है, ठीक है। ग्लाइऑक्सीमेट क्या होता है, आपने एसीटेट तो सुना होगा, एसिटिक एसिड आप जानते होंगे, CH3COOH, ठीक है। आप उसमें क्या करिए, CH3COO माइनस कर दीजिए, एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ से एक H और हटाओ, CH2 कर दो इसको, और यहाँ आप जोड़ दीजिए NH2, ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। अच्छा, DMG मैंने आपको वहां पर बताया था, DMG का पूरा नाम क्या होता है, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, क्या होता है, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। अब इसमें आपको क्या करना है, ग्लाइऑक्सीमेट क्या होता है, ग्लाइऑक्सीमेट
सबसे पहले डाइमिथाइल बना देते हैं। डाइमिथाइल का मतलब दो CH3 बॉन्ड, देखिए एक CH3 और ये दूसरा CH3, ठीक है। अब आप यहां से क्या करिए, सिंगल बॉन्ड से इस N और सिंगल बॉन्ड से ये N जोड़ दीजिए। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये N नहीं जुड़ेगा यहां से, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये यहां से हट जाएगा, ये कार्बन एक लगेगा यहां से। देखिए अब जैसे यहां पर जैसे ये देखिए, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, अब यहां से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और इसके साथ आप क्या करिए, डबल बॉन्ड के साथ एन, यहां पर भी डबल बॉन्ड के साथ एन, और इन कार्बन को आपस में अटैच कर दीजिए, और ये हो जाएगा ओ माइनस, सिंगल बॉन्ड के साथ ये भी ओ माइनस, ये हो जाता है डाई मेथाइल। और ये जो आपको इधर दिख रहा है कार्बन के बाद वाला पूरा पार्ट, ये कहलाएगा ग्लाई ऑक्सीमेटो, ठीक है, ग्लाई ऑक्सीमेटो। तो ये इसके पार्ट हैं। अब हम लोग चलते हैं ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था डाइईन, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना है ये डाइईन का है, सॉरी डाइईन नहीं है, ये ईन का है, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। अब इथाइलिन डाइएमीन में जो ये वाला ईन है, यहां से एक एच और हटा दीजिए और इसकी जगह दोबारा से ये पूरी रिंग को ऐड कर दीजिए। जैसे हमने हमारे पास था NH2, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2 था, तो हमने इस एक एच को हटाया और उसकी जगह फिर से हमने एक रिंग, एक चेन और ऐड कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइईन, और ये क्या कहलाएगा, ट्राई डेंटेट का एग्जाम्पल, ठीक है। आगे चलते हैं टेट्रा डेंटेट। टेट्रा डेंटेट में क्या करना है, एक रिंग और एक जो चैन है वो और ऐड कर दीजिए आप। जैसे यहां पर एक चैन, दूसरी चैन, ठीक है, दो चैन यहां पर ऐड हो गई थी, तीसरी चैन और चौथी चैन, चार चैन ऐड कर दीजिए, हो जाएगा टेट्रा डेंटेट। अब वहां पर डाइईन था, यहां पर हो जाएगा ट्राईईन, ठीक है, ट्राईईन, TRIEN, ट्राईईन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ये पेंटाइन, ये पेंटा डेंटेट का एग्जांपल है। पेंटा डेंटेट में क्या करेंगे, अब देखिए एक दो डाईन हो गया, डाई सॉरी ये इथाइलिन हो गया, इथाइलिन के बाद यहां पर डाईएमीन। अब यहां से जो दो एच थे, दो जो एच थे आपके पास, उसमें से एक एच को रिप्लेस किया एसिटेट आयन से, दूसरे को एसिटेट आयन से, तीसरे को भी एसिटेट आयन से रिप्लेस किया और एक एच यहां पर लगा रहने दिया। तो आप देखिए यहां पर पहले तो थे एक दो तीन दो, मतलब सॉरी ये एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, अब कितने हो गए, पहले दो थे फिर डाइन था, अब यहां पर हो गए तीन, चार, ये चार और ये पांच, इसलिए इसका ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पेंटाडेंटेट का एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। इसका नाम इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटिक एसिटो एसिटेटो आयन। आगे हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट में क्या करेंगे, इथाइलिन डाइएमीन में जो दो एच एमीन के पास रहते थे, उन दोनों एच को इधर देखिए, इधर भी हम लोग क्या करते थे H2 लिखते थे, उन दोनों H2 को हटाया और उसकी जगह हमने ऐड कर दिया CH2COOH माइनस CH2COOH माइनस, इधर भी वही काम किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए इसके पास कितनी डोनर साइट आ गई, एक तो ये, एक दो, ये दो तो पहले से थे, तीन चार पांच और छह, छह हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और इसी को EDTA भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इथाइलीन डाइएमीन दो एमीन्स और कितने एसिटेटो आयन लगे हैं, चार, तो हो जाएगा टेट्रा एसिटेटो, एक दो तीन और चार, चार एसिटेट आयन लगे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, टेट्रा एसिटेटो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहां तक पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिगेंड्स को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस पर ये बेसिकली तीन टाइप का होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।